में बैठे लोगों तक पहुंचाऊं, कोशिश रहती है कि जितना हो सके अपनी तरफ से समाधान भी करो। लेकिन समस्या क्या है, समस्या की जड़ को जानना पड़ेगा, तभी हम समाधान शायद कर पाएंगे, समाधान तक पहुंच पाएंगे। समस्या केवल यह नहीं है कि लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए, समस्या ये तो है ही कि लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, उससे बड़ी समस्या ये है सरकार इसे समस्या मानने को तैयार नहीं है। काश काश के सरकार ये मान ले कि एक बड़ी समस्या है। अगर सरकार ने इसे समस्या मान लिया तो यकीन मानिए आधी दिक्कत दूर हो जाएगी। अभी सरकार को क्या लग रहा है, सरकार को लग रहा है समस्या है नहीं, मैं या मेरी टीम पैदा कर रही है। बताइए, यहां आ जाए देख ले, अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं होगा, आप कर्जे की दलदल में नहीं होंगे, आपकी कर्जा मुक्ति हो जाएगी, ना आप यहां आओगे ना मैं यहां आऊंगा, क्या जरूरत पड़ेगी। और हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, मैंने बार बार कहा है जो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन नहीं करेगा हम उसका साथ देने वाले नहीं है, हम उसका साथ नहीं देंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे वो कितनी बड़ी पार्टी हो। हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई है, और हमारी मांग क्या, हम कोई गलत चीज मांग रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा भी जैसे आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी, उनका लाखों करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया, अंडरराइट किया, हेयर कट के नाम पर उन्हें राहत दी गई, आम जनता का भी कर्जा माफ कर दो। अगर कर्जा माफ नहीं कर सकते किसी भी कारण से, सरकार कहती है हम सबका कर्जा माफ नहीं कर सकते, तो कम से कम कर्जा चुकाने के लिए 2 साल का समय दे दो। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा रही है, आपने सुना होगा सनी देओल बड़े नेता भी हैं और बड़े एक्टर भी हैं, उनके लोन डिफॉल्ट हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनको नोटिस भेज दिया कि आपकी प्रॉपर्टी सील करने के लिए आएंगे, और अगले दिन नोटिस वापस ले लिया, ये बोल करके टेक्निकल मिस्टेक। भाई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक आम इंसान के साथ क्यों नहीं होती, कभी हमारा भी नोटिस वापस कर लो भाई। जी न्यूज के मालिक है सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र का 37,000 करोड़ का लोन माफ किया गया, ये बोला गया हम इन्हें हेयर कट दे रहे हैं, मतलब अमीरों का हेयर कट करोगे और आम जनता का गला काटोगे, ये तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक देश में 2 संविधान 2 कानून नहीं चलेंगे। जिन कानूनों के हिसाब से बड़े बड़े उद्योगपतियों को अमीरों को राहत दी जाती है, उन्हीं कानूनों के हिसाब से आम जनता को भी राहत देनी पड़ेगी, जनता की कर्जा मुक्ति करनी पड़ेगी, जनता की कर्जा मुक्ति तक हम रुकने वाले नहीं। यही बात मैंने रामलीला मैदान से कही थी, और हमारे प्रयास, आपके प्रयास, हमारी पूरी टीम के प्रयास ये रंग लेकर के आए कि आज लगभग 18 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और आपको हैरानी होगी जानकर के 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने आत्महत्या करने से बचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में नागपुर लोकसभा के प्रभारी होंगे हमारे आनंद शर्मा भारती जी, इन्होंने कलेक्टर के पास ले जाकर के लोगों को लेकर के गए जो कर्जे के कारण परेशान थे, जिनके नोटिस आए हुए थे, और वहां कलेक्टर से बैंकों को नोटिस दिलवाए गए, समय दिलवाया गया। कईयों की ऐसी थी कि प्रॉपर्टी जाने वाली थी और वहां कलेक्टर ने प्रॉपर्टी रुकवाई, 6-6 महीने का समय दिया। कोई कानून होगा तभी तो दिया, जब एक कलेक्टर ये काम कर सकता है तो बाकी कलेक्टर क्यों नहीं कर सकते, बाकी जिलाधिकारियों को क्या दिक्कत है। और जो कलेक्टर अच्छा काम कर रहा था, अब ये बैंक वाले NBFC वाले जाकर के उन पर भी दबाव बना रहे हैं, कलेक्टर साहब को कह रहे हैं आप ऐसा काम मत करिए और इनके ऊपर केस करिए, हमें केस करने की धमकी दी जा रही है, FIR करने की धमकी दी जा रही है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम इन धमकियों से डरने वाले रुकने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे। किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, ऐसे सभी लोगों का कर्जा माफ होना चाहिए, ऐसे सभी लोगों को राहत मिलनी चाहिए जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, खासकर से वो लोग जो नोटबंदी के कारण, GST के कारण, लॉकडाउन के कारण, सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, उन्हें राहत दिलवाना हमारी कर्तव्य है, हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई है, और एक एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचानी है। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे मालूम है आप परेशान है, कर्जे की दलदल में बैंक वाला, NBFC वाला, रिकवरी वाला, साहूकार परेशान करता होगा, सबसे पहली बात डरना बंद करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुकाते हैं ये भी कोई अपराध नहीं है। अपने आप को अपराधी महसूस मत करो, आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया, आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया, अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे ये गलती है। गलती का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत कदम उठा लें,
तय कर लो अपने आसपास जो लोग भी कर्जे के कारण परेशान है उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा। कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। आपने भी कोई गलत कदम नहीं उठाना और आपने लोगों को समझाना है कोई भी व्यक्ति गलत कदम ना उठाए। एक एक व्यक्ति की जान कीमती, कर्जा आज नहीं तो कल उतर जाएगा, लेकिन जान कैसे वापस लेकर के आऊंगा मैं। और ये मिशन जब शुरू किया गया महाराष्ट्र से ही खबर आई थी 9 लोगों के परिवार ने कर्जे कारण आत्महत्या कर ली। तब मन बहुत व्यथित हुआ। मैंने तय किया कि मेरी जो कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग है वो निःशुल्क दूंगा और देश के लोगों को देनी शुरू करी। 18 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग निःशुल्क अटेंड की। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने मेरा फेसबुक का पेज बंद कर दिया जिस पर 18 लाख लोग फॉलो करते थे। सरकार ने मेरा यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया ताकि आप वो ट्रेनिंग ना देख पाए, आप वीडियो ना देख पाए। लेकिन उन्हें लगना आप रुक जाएंगे, मैं आपके बीच में आ गया। और अभी तो सरकार दोबारा चुन करके आई है। सरकार को हमने समय दिया है 3 महीने के अंदर अंदर सरकार निर्णय ले ले। अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो जितना बड़ा आंदोलन रामलला मैदान में किया गया था उससे बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया जाएगा, क्योंकि देश की लड़ाई है एक एक नागरिक की लड़ाई। और कर्जा कितनी बड़ी बीमारी है भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं। कर्जा इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, किससे जाकर कहे, कौन सुनेगा। जब व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान होता है ना, बुरा मत मानना, अपने रिश्तेदार भी बात करनी बंद कर देते। साहब अगर आपके रिश्तेदार को पता चल जाए आप कर्जे में हो, रिश्तेदार आपसे बात नहीं करता। और मैं जानता हूं, क्यों जानता हूं, क्योंकि कभी मैं भी कर्जे में था, मैंने झेला है वो समय। और जब मैं उस कर्जे से बाहर निकला उसी के लिए मैंने ट्रेनिंग तैयार की कि मैं कैसे निकला, तुम भी उन नियमों को अपनाओ। वो ट्रेनिंग यूट्यूब पर डाल दी गई है, आप सर्च कर लेना कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, 2 पार्ट है, उसको अटेंड करना। अपनी तरफ से मेहनत करो, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ाई लड़ रहा हूं। और जैसा राजीव जी ने कहा, तुम्हारी लड़ाई को हम लड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारी जगह नहीं, तुम्हारी जगह तुम्हें लेनी पड़ेगी। जहां भी रहते हो, अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, वहां लोगों तक जानकारी पहुंचाओ। मैं आज आपके बीच में आ गया, भीड़ में आ गया, यहाँ महाराष्ट्र टीम ने कार्यक्रम किया। और मैं तुम्हें महाराष्ट्र के उन योद्धाओं से भी मिलवा देना चाहता हूँ जो तुम्हारी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सभी महाराष्ट्र की टीम के साथ एक बार इधर आ जाएंगे ताकि आप उन्हें पहचान पाए। नईम खान भारती जी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके अलावा बाकी सारे साथी आ जाएं ताकि आप उन्हें पहचान पाए जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी एडवाइजरी टीम के लोग, बाकी भी साथियों से मिलवा दूंगा। ये वो साथी हैं जिन्होंने पहले दिन से, ये सभी साथी हैं जिन्होंने पहले दिन से तय किया था, जब ये मिशन हमने शुरू किया तब उन्होंने तय किया था कि इस लाइन में मैं आपका साथ दूंगा, कोई आपका साथ दे या ना दे। और आज ये लोग, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते इस स्थिति में आ गए हैं कि इनमें से बहुत सारे लोगों के व्यापार छूट गए, इनमें से बहुत सारे लोगों पर पुलिस केस किए जा रहे हैं, कंप्लेंट की जा रही है। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना काम धंधा पूरी तरह से समाप्त कर दिया, केवल जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साथी, नाम नहीं लूंगा उनका, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप तो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास तो कमाई का साधन नहीं रहा, आप तो फुल टाइम यही काम कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है। उनका जो जवाब था ना, उस जवाब से मेरी आंखों में आंसू आ गए साहब। उन्होंने, साहब जितना पुण्य का काम मिल रहा है ना, जितना पुण्य हम कमा रहे हैं, इतना पुण्य किसी काम में नहीं कमाया जा सकता। लोग जब हमें फोन करते हैं रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, बैंक वाला परेशान कर रहा होता है, और जब हमसे बात करते हैं, हमसे एक सलाह दे देते हैं, और उनके चेहरे में, उनकी बातों में जो खुशी नजर आती है, लगता है एक व्यक्ति को बचा लिया, एक परिवार को बचा लिया, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। और किसी के जीवन को बचा लेने से ज्यादा बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं, इससे बड़ा पुण्य काम नहीं हो सकता। आप किसी भी धर्म में रहते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, यकीन मानिए किसी के जीवन को बचाओगे इससे बड़ा पुण्य नहीं मिलने वाला, ये पुण्य कमाने का काम। तो जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। और जो मेरी वीडियोज होती है जैसे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जानकारी। जैसे बैंक वाला कोई आ जाए आपके यहाँ तो बैंक से नोटिस आ जाए तो क्या करना है, रिकवरी वाला आ जाए तो क्या करना है, तुम्हें तुम्हारे अधिकार पता होने चाहिए। पहली बात तो जब कोई नोटिस आता है तो 3 तरह के नोटिस होते हैं, एक बैंक का नोटिस होता है, एक कोर्ट का नोटिस होता है, एक वकील का नोटिस होता है। पहले चेक करो कौन सा नोटिस है। पहला नोटिस बैंक से आता है, कैसे पता चला बैंक का नोटिस है, उसके ऊपर बैंक का नाम लिखा होगा। अगर बैंक के नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो अगला नोटिस एडवोकेट का आएगा, वकील का आएगा, ऊपर लिखा होगा एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता। अगर उसका भी जवाब नहीं देंगे तो अगला नोटिस कोर्ट से आएगा, उस पर लिखा होगा अदालत, कोर्ट, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय,
अलग अलग न्यायालय अलग अलग कोर्ट का नाम आएगा। अगर कोर्ट के नोटिस का भी जवाब नहीं देंगे तो फिर वारंट निकल आएंगे, फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नोटिस आया सीधा कोई अरेस्ट कर लेगा, नोटिस का जवाब दे। और नोटिस का मतलब क्या है? नोटिस का मतलब है बैंक आपसे जानकारी मांग रहा है, आप किश्त क्यों नहीं भर पा रहे। आपने क्या करना है, जब बैंक का नोटिस आएगा, बैंक के नोटिस का जवाब वकील के देने की जरूरत नहीं है, खुद ही जाकर के बैंक में लिख करके दे सकते हो। जब वकील का नोटिस आएगा उसका जवाब वकील के थ्रू देना, और जब कोर्ट से नोटिस आएगा तो कोर्ट जाकर के जवाब देना, ताकि कोर्ट को पता चले आप भगोड़े नहीं, आप भागने वाले नहीं है, आप बेईमान नहीं है। क्योंकि जो बेईमान होता है वो नोटिस का जवाब नहीं देता। आप क्या करते हो, आप डर जाते हो, आपको कहते हैं नोटिस आ गया, नोटिस लेंगे नहीं। अरे नोटिस नहीं लोगे तो ये माना जाएगा कि तुम डिफॉल्टर हो, तुम बेईमान हो। जब बेईमान नहीं हो तो ले लो नोटिस, बस दिखा भी क्या नोटिस है, क्योंकि आप पैसा नहीं भर पा रहे। हाँ नहीं भर पा रहा, क्यों नहीं भर पा रहे बताओ अपना रीजन। भाई नोटबंदी हुआ, लॉकडाउन हुआ, व्यापार बंद हो गया, मेरे घर में कोई दिक्कत आ गई, और जो जेन्युइन है वो बताओ। और उनसे बोलो कि आप मुझे कम से कम 2 साल का समय दें। जब भले ही आपको 6 महीने का समय चाहिए, 2 साल का मांगो, क्योंकि 2 साल का मांगोगे तो शायद 6 महीने का समय मिलेगा। और अपनी सारी स्थिति के बारे में बताओ, और इंतजार मत करो कि आपका अकाउंट एनपीए हो जाए। एनपीए कब होता है अकाउंट? जब आपकी 3 लगातार इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, जब आपको पता है अगले महीने किस देनी है, इस महीने पैसा नहीं है, तो क्यों इंतजार करो किस बाउंस हो जाए तब जाओगे बैंक में? जब आपको पता है अगले महीने नहीं दे पाऊंगा, इससे पहले कि किस बाउंस हो बैंक में जाओ। बैंक में जाकर के रिटर्न में लेटर दो, लेटर बैंक रिसीव नहीं करता है, बैंक को बाय पोस्ट भेज दो, क्योंकि जब बैंक कोर्ट में जाएगा तो आप दिखा देना कि मैंने अपनी किश्त बाउंस होने से पहले बैंक को बताया था मेरी स्थिति खराब है, बैंक ने मुझे समय नहीं दिया था, तो जज भी तुम्हारी बात सुनेगा। अभी दिक्कत क्या है, हमारे पास कब आने लोग, जब 13-2 का नोटिस आ गया, 13-4 का नोटिस आ गया, बैंक से कुर्की होने वाली है, अब कह रहे सर बचा लो। भाई मैं ऐसे नहीं बचा सकता, हम कानून के हिसाब से चलेंगे ना। जब आपकी पहली किश्त बाउंस हुई थी तभी आपको बताना चाहिए था। और कोशिश करो 3 किश्तें बाउंस मत होने देना। अगर 3 किश्तें बाउंस नहीं होने दोगे तो अकाउंट एनपीए नहीं होगा, और अगर अकाउंट एनपीए नहीं होगा तो तुम्हारे पास ताकत ज्यादा रहेगी, बैंक के पास ताकत कम रहेगी। क्योंकि तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, जब तुमने अपनी प्रॉपर्टी बैंक में रखी, अपना घर, दुकान, दफ्तर, फैक्ट्री, कुछ भी रख के लोन लिया, तो आपने पता क्या बोला, मैं अपना घर, दुकान, मकान, जमीन बैंक में जब्ती करवा रहा हूं। गिरवी का शब्द मतलब है जब्ती कराना। अब आप कह रहे हो बैंक ले रहा, बैंक नहीं ले रहा, तुमने लिख करके दिया है कि मैं जब्ती करवा रहा हूं। जब लिख के दे दिया तो कल को बैंक अगर आकर लेगा तो बैंक क्या बोलेगा, ये प्रॉपर्टी अब तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉपर्टी बैंक की है, क्योंकि तुमने लिख के दिया था मैं जब्ती करवा रहा हूं। तो क्या कर रहे हैं, मैं समस्या नहीं बताऊंगा, समाधान भी बताऊंगा। अगर कभी लोन लेना पड़ जाए, पहली बात तो कोशिश करो ना लो। लेना पड़ जाए तो कोशिश करो ऐसे बैंक से लो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। लेना पड़ जाए तो कितना लो, आपकी प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है मैक्सिमम लोन लो। लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लोन ले लिया 10 लाख का। अब पता है क्या करा तुमने, 10 लाख रुपए में 1 करोड़ की संपत्ति जब्ती करवा दी, जबकि तुम्हें 80 लाख का लोन मिल सकता था। तो पूरा ले लो यार, अब आपको मुझे जरूरत नहीं है। अरे जरूरत नहीं, कहीं इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट करके इतना कमा लो कि तुम्हारी लोन की किश्त भी निकल जाए, और अगर कल को बाई चांस प्रॉपर्टी चली भी जाए तो ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा पैसा इस्तेमाल किया है। अभी पता है क्या हो रहा है, अभी नागपुर का एक केस था हमारे पास आया, मात्र 13 लाख रुपए का लोन था उसका, और उसकी प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए की थी, 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली मैंने, और 13 लाख को बड़ा बढ़ा के पता है कितना कर दिया, 90 लाख रुपए का। वो तो बढ़ाता रहेगा ना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको बैंकिंग नियमों को भी समझना है, बैंक के नियम क्या होते हैं, बैंक किसके लिए बैठा है। तुम्हें लग रहा है बैंक तुम्हारा फायदा करने के लिए बैठा है, बैंक अपना फायदा करने के लिए बैठा है। हर कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है ना, बैंक का प्रोडक्ट पता क्या है, बैंक का पैसा ही बैंक का प्रोडक्ट है। वो अपने पैसे को देकर के चीजें तुमसे ले रहा है, और तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, वो अपना व्यापार कर रहा है, और व्यापार करते करते वो हड़पता जा रहा है प्रॉपर्टी, हड़पता। और कब तक देता रहता लोन बैंक के, देखो चला के देखो, आप अगर किस टाइम पर देते रहोगे ना, 6 महीने बाद फोन आएगा, भाई साहब लोन ले लो, अरे भाई अभी तो लिया, नहीं नहीं और ले लो,
अच्छा आपने और ले लिया तो फिर भी टाइम पर ले रहे हो तो और ले लो, कब तक इतना रहेगा? जब तक तुम बाउंस नहीं कर जाते। वो क्या कर रहा है? वो तुम्हारे खर्चे बढ़ाता रहेगा। जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है खर्चे बढ़ जाते हैं, जब कमाई कम होती है खर्चे कम नहीं हो पाते और फिर प्रॉपर्टियां चली जाती हैं। तुम्हें ये नियम समझने पड़ेंगे। और डरना नहीं है किसी रिकवरी वाले से, कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला आकर के गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, आपका मोबाइल फोन आपका हथियार है। तुरंत मोबाइल फोन निकालो, रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। और अब तो नई जो कानून बन गया ना, उसमें मोबाइल फोन में की गई रिकॉर्डिंग वैलिड सबूत माना जाएगा कोर्ट में। अगर वो गाली गलौज करता है वीडियो रिकॉर्डिंग करो, और आप भी जो बोले उसकी भी रिकॉर्डिंग होती रहे, ताकि पता चले आपने कोई बदतमीजी नहीं की है। अपनी तरफ से बदतमीजी मत करना किसी से, गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, रिकॉर्डिंग कर लो। और सबसे पहला काम क्या करो, उससे बोलो भाई तू कहां से आया? वो कहेगा बैंक से आया, कंपनी से आया, आई कार्ड दिखा। कोई बात नहीं करनी, सबसे पहला काम आई कार्ड दिखाओ। अगर आई कार्ड नहीं है तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करो, ये चोर आया हुआ है, आई कार्ड नहीं है इसके पास। क्योंकि बैंक का रूल है, अगर कोई आपके यहाँ रिकवरी के लिए आएगा, किस्त लेने आएगा, मिलने भी आएगा, गले में बाहर टांग कर आई कार्ड लेकर के आएगा साहब, जेब में रख के भी नहीं। आपने देखा होगा बैंकों में जब आप जाते हैं एम्प्लॉय गले में आई कार्ड टांग के रखता है। क्यों? क्योंकि कानून है, बिना आई कार्ड के नहीं आ सकता। दूसरा, बैंक में 100 एम्प्लॉय होते हैं, 100 कर्मचारी हैं, 100 के 100 के आपके घर आ जाएंगे। हर कोई तो नहीं आ सकता, जिसको देंगे वही तो आएगा। उसको बोलो मेरे घर आने का ऑर्डर दिखा, किसी ने ऑर्डर दिया होगा ना, ऐसे थोड़े कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा, भाई साहब मैं आपके रिकवरी करने आया। उसको बोला ऑर्डर दिखा। अगर उसके पास ऑर्डर नहीं है, आपके घर विजिट करने का विजिट लेटर नहीं है, वो आपका घर विजिट नहीं कर सकता। अगर विजिट करने आया और लेटर नहीं है, आपने कोई बात नहीं करनी, आप फिर पुलिस कंप्लेंट कर लीजिए। आपको अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता। आप अगर घर में नहीं है, आपके बीवी बच्चों से बदतमीजी नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, ये तक नहीं बता सकता कि आपने कितना लोन लिया हुआ है। क्योंकि कई बार महिलाएं प्रेशर में आ जाती हैं, डर में आ जाती हैं। ये लोग क्या करते हैं, घर में बैठ जाते हैं, महिलाओं को बदतमीजी करते हैं, बच्चों से बदतमीजी करते हैं। ये अलाउड नहीं है सर। कईयों के घरों पे आकर क्या बोल रहे हैं, तेरे पिताजी का है, तेरा पिताजी तो चोर है, पैसा नहीं दे रहा, इस तरह से बदनामी करते हैं। और गांव में पता है क्या हो रहा है, समूह लोन के नाम पर महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, और बेचारी महिलाएं कुछ कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमने पैसा ले लिया तो गुनाह कर दिया। नहीं, पैसा लेना कोई अपराध नहीं है, कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। फिर भी कोई बदतमीजी करता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई नोटिस आ जाता है, बैंक का नोटिस हो, कोर्ट का नोटिस हो, वकील का नोटिस हो, हमारी टीम से संपर्क करो। मैं भी अगर कोई नोटिस लेके आया, किसी भी तरह का नोटिस होगा, वो हमारी टीम से मिलना, अक्षय जी से मिलना, वो लॉयर भी हैं, उनके पास टीम भी है। आप अरविंद जी से मिलना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास पूरी टीम है। कलीम जी से मिलना, वो गाइड कर देंगे, हमारी पूरी टीम आपको गाइड करेगी। और ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से कोई पैसा तो नहीं लिया है, पैसा तो नहीं लिया भाई, बोल दो पैसा तो लिया ना, पैसा तो नहीं लिया, हाँ देना भी नहीं है। अगर कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक रुपया भी मांगे, उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देना। बोलना ये सर ने मना किया था भैया, पैसा नहीं देंगे। हाँ जब पैसा चाहिए होगा मैं बोल दूंगा, मैं मांग लूंगा, मैं झोली फैला लूंगा भाई कि पैसा दे दो, पैसे की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहयोग काफी है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है हम जरूर सफल होंगे इस लड़ाई में। सांसद बन के सदन में गए, आपने देखा होगा हमने 508 उम्मीदवारों को तैयार किया था, 3 साथी सदन में जा चुके हैं, उन तीनों को बोला गया है वो हमारी आवाज उठाएं। अगर वो आवाज उठाएंगे तो ठीक है, नहीं उठाएंगे तो बाकी जो नए सांसद आए हैं उनसे बात की जाएगी, उनसे वो नहीं बात करेंगे, सरकार से फिर बात शुरू करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करेंगे। हम आपकी लड़ाई, आपकी आवाज सदन तक पहुंचाएंगे, उससे पहले हम रुकेंगे नहीं। और तैयारी कर लो, अगले 3 महीने के अंदर अंदर अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब फिर से नहीं आता है तो हम लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के पास जाएंगे, सारा डाटा सारी जानकारी लेकर जाएंगे, और अगर वो भी इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं तो दोनों के खिलाफ हम पूरे देश में फिर आंदोलन शुरू करेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं मिल पाएगा। तो हम वही जो नारा मैंने रामलीला मैदान से दिया था उसी को कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये लोग कह रहे हैं मेरा सम्मान करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, भाई मेरा यही सम्मान बहुत है कि तुम लोग यहाँ आ गए, तुम्हारा ये प्रेम मिल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान।
वैसे आपको मेरा गला बैठा दिख रहा होगा, पूरी रात सोए नहीं हम लोग, ना राजीव जी ना मैं, क्योंकि 2 बजे रात को निकल गए थे, फ्लाइट पकड़नी थी, सुबह वहां से सीधा आए हैं और यहाँ पे एक मीटिंग थी, उसके बाद एक और मीटिंग में गए, फिर अभी आ गए, यहाँ से फिर निकल जाएंगे क्योंकि फिर फ्लाइट पकड़ के वापस आए। आपका प्रेम, आपकी दुआएं जो हमें मिल रही हैं, वही हमारी ताकत है और उसी के कारण हम सफल हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है हम सफल होंगे। रामला मैदान से जो मैंने नारा दिया था, मैं कहूंगा जनता का कर्जा माफ, और आप कहेंगे करना पड़ेगा। जोश के साथ, एनर्जी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा।